हाय गाइस, मेरा नाम दीपंकर वासु और आज हम सीखेंगे कैसे 3D डिज़ाइन बनाते हैं, वो भी टूडल शेप्स से। तो ये वाला जो पिक्चर है, ये डिज़ाइन को हम लोग 3D बनाएंगे, ठीक है। तो पहले क्या करना पड़ेगा, इसको हम लेंगे 8 KM, इसके ऊपर छोड़ देंगे, छोड़ दिए। आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक कमेंट करना वीडियो को, तो और भी हम वीडियो बनाएंगे आपके लिए। तो ट्रेनिंग का क्लास मंडे से स्टार्ट करेंगे फ्री में, और जिसको पर्सनल लेना है तो वो मुझे कांटेक्ट करेगा, ठीक है ना। चलो हम लोग बनाते हैं। पहले इसको छोड़ने के बाद ये ऑप्शन आएगा, सेट मॉडल साइज, इसको MM पे ही रखना है, ठीक है। ओके करेंगे, उसके बाद हम जाएंगे 2D पे, क्योंकि अभी हमको ड्राइंग करना है। तो इसको थोड़ा विजिबिलिटी थोड़ा कम कर लेंगे, जैसे ड्राइंग करने में परेशानी ना हो, ठीक है। अच्छा, क्रिएट पॉलीलाइन हम लेंगे। अब इसको देखो, हमें डिज़ाइन किससे बनाना है पहले वो डिज़ाइन देख के समझना है, ठीक है। 8 KM में सबसे जो बड़ी बात होता है वो है, अब डिज़ाइन तो मालूम है कैसे क्या डिज़ाइन बनाना है आपको, सारे जो प्रोग्राम मालूम है, जैसे शेप एडिटर से कैसे बनेगा, क्या चीज़ बनेगा, टूडल शेप से, एक्सट्रूड से। तो आपको ना डिज़ाइन देख के समझना पड़ेगा जब हम इसको बनाने में मुझे क्या क्या चीज़ें ज़रूरत है, मतलब मैं टूडल शेप यूज़ करूँ या फिर एक्सट्रूड करूँ या फिर शेप एडिटर यूज़ करूँ इस पोजिशन को बनाने में। तो पहले आपको ये समझना ज़रूरी है। तो जैसे कि मैं पूरा जो डिज़ाइन है इसको मैं बनाऊंगा टूडल शेप से, क्योंकि इसमें शेप एडिटर से उतना अच्छा काम नहीं आएगा। शायद ये वाला शेप एडिटर से हो भी सकता है, पर उतना अच्छा नहीं आएगा। मैं टूडल शेप से पूरा डिज़ाइन बनाऊंगा। ज़्यादातर 89% डिज़ाइन बनता है टूडल शेप से, ठीक है, और बाकी आपका एक्सट्रूड हो गया, शेप एडिटर हो गया, ये सच बात है। तो चलिए फिर बनाते हैं, ड्राइंग करते हैं। पहले टूडल शेप का ड्राइंग होता है 2 वेक्टर में, तभी टूडल शेप बनता है और क्रॉस सिलेक्शन रखता है। क्रॉस सिलेक्शन के बाद यह डिज़ाइन का शेप आना चालू हो जाता है। तो मैं ड्राइंग करूँगा पहले धीरे धीरे। यह वीडियो शायद लंबा हो जाएगा, तो मैं थोड़ा फास्ट कर दूँगा एडिट के टाइम में, ठीक है ना।
हाँ, तो मिडिल में मैं थोड़ा स्किप कर दिया था, क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाता। तो ये मेरा काम ख़त्म होने वाला है सर। जितना ज़्यादा कम पॉइंट पे आप डिज़ाइन बनाओगे ना, उतना आपको एडजस्ट करने में सुविधाएँ होगी, परेशानी नहीं होगी, ठीक है ना। ज़्यादा पॉइंट लोगे तो ज़्यादा परेशानी, इससे विक्टर क्या है ना, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो ही जाता है। चलो इसको मैं थोड़ा साइड कर देता हूँ। बस हो गया। अच्छा, ज़रूरत पड़ने पर इसको मैं चेंज कर दूँगा। इधर मैं कोई छूट गया शायद, ये वाला देखो, ये जो पिक्चर है ना, ये पिक्चर बेसिकली तो ड्राइंग बनाया है वो कुछ और सोच के, जैसे बीच बीच में ऐसा क्या कर दिया ना, गैप कर दिया, जैसे कि ये नीचे अंदर चला गया, उसके ऊपर में ये वाला है, ऐसे उसने थीम बनाया है, ठीक है। पर जैसे हमारा प्रैक्टिकली काम होगा 3D में, तो मुझे कुछ और चीज़ें और सिस्टम में इसको ड्राइंग करना पड़ेगा, कि मुझे इसके अंदर में, इसको अंदर में डिज़ाइन बनाना है ना। पहले 3D जो बनाएगा, ये इसके नीचे चला जाएगा, ये ऊपर में रहेगा। चलो मैं जब दिखाऊंगा तब मैं बता दूंगा। और एक बात, काम होगा जो आप जल्दी सीख सकोगे वो है प्रैक्टिकली, जो प्रैक्टिकली काम होगा वही काम है, क्योंकि थ्योरी में ज़्यादा कुछ नहीं है। मैं ट्यूटोरियल दिखा दूंगा, इसमें यह है, उसमें यह काम होता है, ठीक है, इस चीज़ में क्या 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 काम होता है, मैं सारे चीज़ें आपको दिखा दूंगा, पर वो आपको समझ में नहीं आएगा जब तक आप नहीं करोगे, ठीक है। तो मैंने देखो डिज़ाइन बना लिया, अभी इसको क्या करना है, मुझे क्रॉस सिलेक्शन बनाना है, ठीक है। तो मैं क्रॉस सिलेक्शन बनाऊंगा, एक बार फ़ोटो में देख लूँ, मेरे आइडिया से मैं बना रहा हूँ, ठीक है ना। मैं जो पत्ता है कुछ इस टाइप का बनाऊंगा, अच्छा पहले मैं एक लाइन ले लेता हूँ बीच में, उसके बाद लाइन को सिलेक्ट करके मैं शिफ्ट दबा के इसको सिलेक्ट करूँगा बॉक्स को, फिर मैं सेंटर इन मटेरियल मॉडल पे जाऊँगा, सेंटर इन मॉडल, इसको राइट क्लिक करूँगा, उसके बाद एकदम लास्ट में सेंटर विक्टर करूँगा, तो ये मेरा बीच में आ जाएगा, फिर मैं इसको ड्राइंग करूँगा, ठीक है। इससे क्या होगा, मेरा दोनों साइड में बराबर रहेगा। डी प्रेस कर दिया, डी से डिलेट होता है, एस से स्मूथ होता है। ऐसा बनेगा, हाँ ठीक है ना। तो ये वाला पोर्शन मैं बना रहा हूँ, मतलब ये वाला पत्ता जैसा बनेगा उसका ही बना रहा हूँ। मैं इसको थोड़ा खाज बना लेता हूँ, ठीक है, जैसे कि ये देखने में अच्छा लगेगा। चलो मैं बाद में चेंज करूँगा, जब मैं 3D बनाऊँगा उस हिसाब से चेंज करूँगा इसको। कंट्रोल प्रेस करके राइट साइड दोनों को शिफ्ट पकड़ के दोनों को ज्वाइन कर देता हूँ मैं एक लाइन पे, तो मेरा ये पहला वाला तैयार हो गया, ठीक है। यह है मेरा पत्ते का। दूसरा वाला मैं बनाऊंगा एक हाफ राउंड, मैं इसको सीधा ले लेता हूँ, एक सेकेंड। ये हाफ राउंड बना लिया, ये नीचे में ज्वाइंट करने के लिए काम आएगा। और चौथा वाला बनाऊंगा ये वाला शेप, ठीक है। तो ऐसे मैं सेट करूंगा इसको, तो ये मैं मीडियर करूंगा, क्योंकि अगर कोई साइड उल्टा जाएगा ना ऐसे जब 3D बनाऊंगा, तो मीडियर वाला पोर्शन लगेगा। क्यों बता रहा हूँ, मैं दिखाऊंगा प्रैक्टिकली। इसको मैं कंट्रोल करके फिर से मीडियर कर लेता हूँ, तो ये मेरा दो बन गया, ठीक है। तो और ये वाला पोर्शन के लिए एक बनाना पड़ेगा, ठीक है, ये वाला पोर्शन, वैसे ये वाला इससे ही हो जाएगा। तो मैंने ये बना लिया तीनों, अब मैं इसको बनाऊंगा 3D एक एक करके।
तो पहले विंडोज़ पे जाएंगे, उसके बाद जाएंगे टाइल वर्टिकली में, ठीक है। इधर में जाके 3D डिस्प्ले मटेरियल ऑन करेंगे, ये मेरा आ गया। और चलो एक एक करके शुरू करते हैं। पहले पहले ये वाला पोर्शन बनाते हैं। इसको सिलेक्ट किया, शिफ्ट दबा के इसको सिलेक्ट किया, फिर टूडल सेप पे जाएंगे, फिर सिलेक्ट करेंगे ये वाला एडिट क्रॉस सिलेक्शन, ये आ गया। अच्छा, इसका एक प्रॉब्लम देखो, ये जो प्रॉब्लम आ रहा है ना, जैसे खाच खाच आ रहा है, मतलब ये रेजोल्यूशन अच्छा नहीं है। देखो रेजोल्यूशन बहुत कम है, अगर मैं इधर से बढ़ाना भी चाहूँ अभी नहीं बढ़ेगा। एक सेकंड रुको, मैं चेक कर लेता हूँ। मॉडल पे जाना है, एडजस्ट रेजोल्यूशन पे क्लिक करना है। रेजोल्यूशन हाईली अगर बनाओगे तो डिज़ाइन अच्छा बनता है, तो मैं एक बार कोशिश करता हूँ, नहीं तो मैं नया पेज डाल के, बड़ा साइज लेकर नया पेज डाल के उसमें डिज़ाइन बनाऊंगा, तो देखने में अच्छा होगा। क्योंकि रेजोल्यूशन अगर ज़्यादा होगा तो आप छोटे भी छोटे कंपोनेंट को अच्छे से कटिंग कर सकोगे, ठीक है ना। तो मैं फिर से एक बार ट्राई करूँगा, देखता हूँ रेजोल्यूशन अच्छा है कि नहीं। दोनों को सिलेक्ट किया शिफ्ट पकड़ के, टूडल सेप, उसके बाद क्रॉस सिलेक्शन करना है, कर दिया। तो अभी बेटर है पहले से, ठीक है ना भाई, पहले से बेटर है। तो चलो इसको बनाते हैं। ये वाला पोर्शन देखो, ये थोड़ा अंदर चला गया ना। देखो डिज़ाइन आपके हिसाब से बनाना है, फोटो में रहेगा वो थोड़ा टेढ़ा रहेगा, तो उस हिसाब से आप ड्राइंग करोगे तो वो भी आपका वैसे ही सेम टू सेम बनेगा। तो आपको अपने दिमाग के हिसाब से इसको सीधा रखना है, ठीक है। तो मैं इधर में क्या करूँगा, सेट फास्ट ड्राइव रेल हो गया मेरा, दोनों ड्राइव रेल सिलेक्ट हो गया, क्रॉस सिलेक्शन सिलेक्ट हो गया। अब मैं इसके अंदर दूसरा वाला करूँगा, मैं इसके नीचे में ना राउंड करूँगा, ठीक है। जैसे ही ये ऐसा खा जाते आते नीचे में राउंड हो जाए, तो मैं राउंड वाला इधर से सिलेक्ट करूँगा, फिर से मैं एड क्रॉस सिलेक्शन करूँगा। तो अभी देखो एक नंबर जो है, एक नंबर में है ये वाला, ठीक है, दो नंबर में है मेरे लास्ट में। तो मैं इसको चेंज भी कर सकता हूँ, इसको ऐड पे क्लिक करने पर ये चेंज हो जाएगा, एक इधर में आ जाएगा, दो इधर में चला जाएगा, तो मुझे नहीं चाहिए। और अभी ये स्केल टू हाइट है, मतलब स्केल टू हाइट कैसा हो है? ये होते होते नीचे आ जाएगा, इसका जो गैप है मतलब इसका डिस्टेंस से कम, तो इसका कम हिसाब से ही वो बनेगा, ऊंचाई बनेगा। जिसका डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा उस हिसाब से वो डिज़ाइन बनेगा। तो चलो मैं पहले स्केल फाइनल हाइट ऑन कर लेता हूँ, मुझे डिज़ाइन बनाना है 15 mm में, तो मैं 15 mm सिलेक्ट कर लिया। और एक चीज़ देखो, इधर में खाज बहुत कम है, ठीक है, बीट ज़्यादा है, तो मैं इसको ठीक करूँगा, पहले इधर से लेके ठीक करूँगा। इसको मैं और थोड़ा बड़ा कर दूँ ऐसे, और ऐसे करूँगा, तो फिर मैं देखूँगा। अभी ठीक लग रहा है, ठीक है, तो ऐसा ही बनाना है। स्केल टू फाइनल हाइट, इसको ऑन ही रखूँगा, ठीक है, क्योंकि ये इसके अंदर जाएगा। अगर सेम हाइट कर दिया, मतलब इसको ऑफ करने पर ये टोटल में 15 mm बन जाएगा। देखो ये टोटल में 15 mm बन गया, इधर 15 इधर 15। जब भी स्केल टू हाइट में ऑन करूँगा तो ये ऐसा घूमते घूमते नीचे में आके छोटा हो जाएगा, तो मैं ऐसा ही रखूँगा, ठीक है ना, समझ में आ गया। उसके बाद आएगा देखो स्टार्ट हाइट। स्टार्ट हाइट का मतलब है आपके जो ये डिज़ाइन बन रहा है ये कितना छोड़ के ऊपर से बनेगा, मतलब नीचे में एक बेस प्लेट ऐड होगा, ठीक है। जैसे मैंने 2 mm दिया, तो देखो 2 mm ऊंचाई होके ये डिज़ाइन बन रहा है, तो मुझे स्टार्ट प्लेट नहीं चाहिए, स्टार्ट हाइट नहीं चाहिए, 0 कर देता हूँ मैं, ठीक है, इससे डिज़ाइन बढ़िया बनेगा। और अभी एडिट पे नहीं रखना है, इसको मार्जिन पे रखना है, अप्लाई कर दिया, ठीक है। तो मेरा ये डिज़ाइन पहले वाला बन गया। अच्छा, अब इसको सिलेक्ट करूँगा, इसको सिलेक्ट करूँगा शिफ्ट दबा के, सेट ड्राइव लेट करूँ, देखो ये उल्टा पड़ गया, देखा, ये उस तरफ बनना है ढाल, तो इधर में बन गया। तो मुझे क्या करना है, मैं इसको डिलीट कर दूंगा, पहले बंद कर देता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ, इसको मिरर कर लेता हूँ, क्योंकि ये वाला पोर्शन मुझे अच्छा लग रहा है जो 3D बनाया था,
तो इन दोनों को सिलेक्ट करूँगा, फिर से साइट टूल पे क्लिक करूँगा, क्रॉस सिलेक्शन सिलेक्ट करूँगा, ये वाला वो वाला नहीं, ये चल रहा है उल्टा आ रहा है, डिलीट कर दूँ, इसको सिलेक्ट करूँगा। हाँ अभी ठीक है, अब ये देखो इसके ऊपर बन गया क्योंकि ये एडिट पे है, इसको मार्ज हाई कर रखना है, ठीक है, और इधर में रखना है 15 mm, ठीक है, अप्लाई, ये बन गया। अच्छा ये वाला बनाएंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, सेप टूल पे क्लिक करेंगे, ये वाला पोर्शन भी ठीक है, 15 mm है, मार्जाई पे क्लिक करेंगे, ओके। अच्छा जितना भी ये कॉलके का डिज़ाइन है ना, ये वाला जो लगेगा जिसमें, उसको सारे पहले बना लूँगा, ठीक है, ऐसे परेशानी कम होगा मेरा। इसको भी क्लिक करेंगे, ये इसके अंदर जाएगा, तो जब भी कोई पोर्शन इसके अंदर जाएगा तो मुझे उसको राउंड शेप देना है, ठीक है। मैं सिलेक्ट पे देखो, ये टू इधर में आ गया, वन इधर में आ गया, मुझे इसको चेंज करना है, ठीक है, तो मैं इसको चेंज करूँगा, वन ये टू आ गया, मार्जिन पे क्लिक करूँगा, ओके। अच्छा इसको मैं सिलेक्ट करूँगा, सिंपली ऐसे घुमा दूँगा थोड़ा। अच्छा क्रॉस सिलेक्शन डिलीट करना है, रुको, ये वाला सिलेक्शन कर लेता हूँ, ये वाला बढ़िया है, सिलेक्ट टू हाइट पे, ये ज़्यादा ऊपर चला गया। इसको कैसे ठीक करना है मैं बताता हूँ, मुझे पहले क्या करना पड़ेगा, ये वाला जो बॉक्स में हमने लिए थे, ये वाला लेंगे फिर से, फिर इसको ऐसा शेप देंगे, हाँ ये है हमारा जो टूडल से बनेगा, उसका जेड हाइट है, जेड हाइट, ठीक है, मतलब एक साइड ऊपर जाएगा एक साइड नीचे आएगा। कैसे होगा ये मैं दिखा देता हूँ, शिफ्ट पकड़ के ये दोनों को फिर से टूडल सेप पे जाएंगे और इसको सिलेक्ट करेंगे, क्रॉस सिलेक्शन आ गया। अभी देखो ये ऊपर है, ठीक है, एट पे है, इसको मार्ज ही पहले कर लेते हैं, अभी देखो ये बहुत ऊपर है, तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, उसके बाद करेंगे सेट जेड मोड प्रोफाइल, ठीक है, ये वाला काम कैसे करेगा, देखो ये नीचे आ गया, ठीक है, मतलब ये ऊपर वाला पोर्शन है ये वाला, ठीक है, और नीचे जा रहा है एकदम, देखो ये नीचे चला गया, मतलब मैं इसको चेंज भी कर सकता हूँ, मैं इसको एक आई प्रेस करके थोड़ा ऊपर कर सकता हूँ, तो जितना चाहिए उतना मैं करूँगा, बेसिकली ये वाला मेरा ठीक लग रहा है। अप्लाई, ओके, ठीक है। अच्छा उसके बाद हम लेंगे ये वाला पोर्शन, सेट टू रेल्स, मेथड सबका सेम ही है, अलग कुछ भी नहीं है, ये दो में आ गया, इसको चेंज कर लेते हैं, एक दो, अभी इसमें ठीक है, मटेरियल हाइट मैं इसमें 15 करूँगा, एडिट पे मार्जिन करूँगा और अप्लाई, ठीक है, इसको भी वही करना है, एक एक करके करते जाए, ठीक है, ये वाला पोर्शन पहले दे देते हैं, ये वाला पोर्शन देखो इसको ऊपर में चला गया। अच्छा इसमें देखो थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, देखो ये वाला पोर्शन डाउन है, इसको ठीक करना पड़ेगा, रुको, मैं इसको डिलीट कर दिया, डिलीट को, फिर मैं शिफ्ट दबा के टूडल सेप पे जाएंगे, उसके बाद इस पर क्लिक करेंगे, एड्रेस क्रॉस सिलेक्शन हो गया, अब ये वाला पोर्शन ज़्यादा कम है, इसको 15 mm पहले करेंगे, मार्जाई, अब ये ठीक है, स्केल टू हाइट बंद कर दिया, तो मुझे इसको नीचे नवाना है, वो सेम प्रोसेस यही है, जेड मेथड पे क्लिक करेंगे, ठीक है ना, तो ये उल्टा बन गया, तो मुझे इसको
चेंज कर देता हूँ। हाँ अभी ठीक है, मर्जाई पे क्लिक किया, ठीक है ना। पहले वो क्या आ रहा था ना, इसका जो गैप है ये कम है इधर में, और इसका गैप ज़्यादा है, इसलिए ये ऊंचा हो गया, क्योंकि ये वाला ऑन था ना आपका, इसलिए स्केल टू हाइट विथ ये वाला ऑन था। तो हाइट, स्केल टू हाइट मतलब इसका जो साइज है उस हिसाब से इसका हाइट मेजरमेंट करेगा। तो ये वाला कम था, ये डाउन हो गया, ये वाला हाइट भी ज़्यादा है, ऊंचा हो गया, ठीक है ना। इसको बंद करके मैंने जेड मेथड को अप्लाई किया तो ये साइज में आ गया, ठीक है। अच्छा चलो दूसरा वाला देखते हैं अभी। दूसरा वाला मेरा ये वाला पड़ेगा, सेट ड्राइव रेल्स, उसके बाद इसको लेंगे। अच्छा उल्टा हो गया, चेंज कर लेता हूँ, डिलीट कर दिए, सेंड कर दिए। 15 mm सेलेक्ट किया, मार्जाई पे क्लिक किया, चेक कर लेता हूँ, ठीक है ओके। सब पे स्केल टू हाइट मुझे नहीं करना है, कुछ कुछ चीज़ों पे ही करना है सेट, ठीक है ना। बाकी जो है सारे वही कर लेते हैं। अच्छा ये कंप्लीट हो गया ना, मैं देख लेता हूँ, अप्लाई कर दिया था बस, ठीक है। चलो दूसरा वाला पत्ता वाला देखेंगे, टूरल सेप, ये वाला ऑप्शन लिया, क्रॉस सिलेक्शन, मार्जाई 15 mm, ठीक है। देखो एक चीज़ देखो, नोट कर लो, ये वाला जो पोर्शन है ना, मैं इसके अंदर में इसलिए इतना अंदर में विक्टर इसको अंदर किया, ड्रॉ किया, क्योंकि ये वाला पोर्शन वो अंदर चला जाए, अगर मैं ड्रॉ नहीं करता ना तो वो नहीं जाता, ठीक है ना। मार्ज अप्लाई कर दिया इसको, और अभी ये पोर्शन को मैं इससे डिलीट कर दूंगा, ये वाला ज़ीरो इनसाइड विक्टर, देखो ठीक है ना। देखो डिज़ाइन सभी बनाते हैं, ठीक है, मेरे से भी अच्छे अच्छे लोग हो गए यूट्यूब पर सबका मेथड अलग होता है, ठीक है। कोई अलग से बनाता है, कोई कुछ और यूज़ करके बनाता है, ठीक है। मैं जैसा कि मैं ये वाला यूज़ करके बना रहा हूँ, तो सभी का ही वीडियो देखना समझ में आ जाएगा, और मेरा वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, और कोई भी अगर आर्ट कैम्प के प्रॉब्लम हो आर्ट कैम्प पे मुझे कमेंट करना, तो मैं उसको वीडियो डाल दूँगा, ठीक है। ये 15 mm कर दिया अप्लाई, उसके बाद ये वाला करेंगे सेट ड्राइव रेल्स, ये 15 mm में, इसको मैं 10 mm कर देता हूँ, ठीक है, देखने में अच्छा रहेगा। स्केल टू हाइट है, इसको बंद कर दिए, ऑन कर देता हूँ, ये ठीक रहेगा। अप्लाई, ये मैंने 10 mm किया, उसके बाद ये वाला लेंगे, सेम यही है, मार्जा ही है, इसको भी हम 10 mm कर देंगे, इसको अगर इधर में थोड़ा लगा लेता हूँ, अभी कुछ ठीक दिख रहा है ना, अभी ठीक है। अप्लाई, ये बनाया 10 mm का है ना, ये वाला पत्ता बनाएंगे, इसको भी बनाएंगे हम 15 mm में, हमारा जो डिज़ाइन का जो मेजरमेंट है उससे ही बनाएंगे। ये बनाएंगे हम 15 mm पे, 15 मार्जिन, ठीक है। तो ये वाला सिस्टम आपका शेप एडिटर में भी बन सकता था, पर टूरियल सेट में मुझे अच्छा लगा। चलो ये दोनों को बना लेता हूँ,
ऐड है, मार्जिन पे क्लिक किया, 15 mm दे दिया, ठीक है। इसको इतना दूर तक लेके आना है, ये वाला देख लेता हूँ एक बार। मैं इसको बनाता बनाता उधर चला गया और मैं सोच रहा हूँ ये सर ठीक क्यों नहीं हो रहा क्या बात है। अच्छा, इसको मार्च ही कर दिया, स्केल टू हाइट 15 ठीक है अभी। बस इतना ही रखूँगा, ये वाला बन गया ठीक है। अच्छा, इधर में देखो ये वाला थोड़ा गैप लग रहा है, गैप को थोड़ा ठीक कर लेता हूँ, एक सेकेंड रुको। इसको ना ये ड्राइंग में थोड़ा गलती की वजह से ऐसा हो गया, इसको मैं फिर से करूँगा। ये क्रॉस सिलेक्शन किया था, उसके बाद इसको ऑन किया था नंबर 2 में, फिर इसको मुझे खींच के इसके अंदर तक लेके आना है। मार्जिन इसमें देंगे 15 mm, ठीक है ना। इसको देखिए 15 mm, ये वाला बंद कर देता हूँ। सेड हाइट, मोड प्रोफाइल, इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। अभी ठीक है, अप्लाई कर दिया ठीक है, बढ़िया है। अच्छा चलो, अब दूसरा वाला भी कर लेते हैं। ये साढ़े मैं थोड़ा इसको स्पीड जो है बढ़ा देता हूँ वीडियो का, नहीं तो ये बहुत लंबा ही हो जाएगा ठीक है।
मैं इसको शेप एडिटर पे बनाऊंगा, ये टूडल सेप पे नहीं आएगा। ठीक है, तो मैं इसे करूंगा लिमिट टू हाइट, और इधर मैं दे देता हूँ 15 mm, इसे फुल कर देता हूँ। तो लिमिट इधर में हो रहा है, तो मुझे और भी नीचे चाहिए। मार्जिन पे क्लिक करते हैं, तो मैं लिमिट टू हाइट कर देता हूँ ये 10, 8, 5, हाँ 5 mm अच्छा लग रहा है, तो मैं 5 mm रखूँगा हाइट पे, और ये रखूँगा 15 mm। मतलब 15 mm मुझे डिज़ाइन बनाना है, तो अभी अब 5 mm हुआ है, मतलब 10 mm मुझे हाइट पे देना है। दे दिया 10 mm हाइट, अभी ये 15 टोटल बन गया। ठीक है, अभी मैं इसको और एक चीज़ करूँगा, इसे देखने में अच्छा होगा। कुछ लाइनें ड्रॉ कर लूँगा इसके ऊपर में, तो इसे ये देखने में थोड़ा अच्छा लगेगा। नोट एडिट किया, इसको स्मूथ किया, अगर मैं ये दे दूँ तो इसको, ठीक है चलो मैं नोट एडिट, हाँ ये मुझे थोड़ा बढ़िया लग रहा है। ठीक है ना, इसको मैं स्मूथ करूँगा, ये बन गया इस तरह। इन दोनों को सेम टू सेम वो साइड में भी डालेंगे। ये आ गया, टी प्रेस करेंगे, इसको रोटेट करेंगे, और ये इधर में थोड़ा छोटा करके फिर से रोटेट करेंगे, सेट कर दिया। इसको क्या करेंगे, ये वाला शिफ्ट पकड़ के सभी को लेंगे, शेप एडिटर पे जाएंगे, सब्ट्रैक्ट पे क्लिक करेंगे, राउंड पे क्लिक करेंगे। अभी मैं थोड़ा और डीप कर लेता हूँ, एंगल को थोड़ा बढ़ा दिया तो उतना ही डीप अंदर में होगा ना। लिमिट करूँगा तो हिसाब बन जाएगा मेरा कितना एमएम अंदर जाना है कि नहीं, तो मैं नेचुरली रखूँगा बाय डिफॉल्ट जो है, सब्ट्रैक्ट करके अप्लाई कर दूँगा बस। ठीक है, तो ये पत्ता क्रॉस सिलेक्शन भी बनेगा, पर उसको क्या करना पड़ेगा, ऐसे ही कटिंग करना पड़ेगा। ठीक है, अगर जैसा हम लोग टूडल से पे किया वैसे ही करके अगर इस तरह के कटिंग कर देता हूँ तो भी ये शेप बन जाएगा, पर मैं नहीं किया क्योंकि सभी एक जैसा लगेगा देखने में। ठीक है, चलो दूसरा वाला इसको कर लेते हैं। टूडल सेप पे जाएंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, क्रॉस सिलेक्शन 15 mm, मार्जाई अप्लाई, इसको सिलेक्ट करेंगे, और ये पूरा भी है इसको। ठीक है, इसको सिलेक्ट करेंगे, टूडल सेप ये वाला सिलेक्ट करेंगे, मार्जिन करेंगे, 15 mm देंगे। बाकी सिस्टम सब सही है, एक ही है। इसको और ज़्यादा कर लेता हूँ, इसको थोड़ा इधर में लेके आते हैं। ये 15 mm, अच्छा जेड मेथड अप्लाई करते हैं, अभी ये ठीक है।
इसको भी सिलेक्ट करेंगे। इसको भी थोड़ा हाइट दे देंगे, ठीक है। बस क्लियर, अप्लाई। 15 mm का है। अच्छा, अभी ये पत्ते वाला डिलीट कर देता हूँ। पत्ते में पत्ता ये वाला आएगा। थोड़ा इसको चेंज कर लेंगे, ठीक है। और ये वाला इसके अंदर जाएगा, ये तो वैसे भी ठीक ही है। इसको बंद कर देते हैं अभी।
ये वाला बनाएंगे, ढाल बनाएंगे एक, थोड़ा चेक कर लेते हैं। मार्ज हाइट पे क्लिक किया और लिमिट टू हाइट पे क्लिक किया, इसको 5 mm देते हैं और टोटल 10 mm, 15 हो गया। रिप्लेस करते हैं और देखते हैं एक बार क्या होता है। अप्लाई करेंगे, 10-5-15 हो गया रिप्लेस पे। अब इसको बंद कर देते हैं, एक बार चेक करेंगे डिज़ाइन का हाइट ठीक है कि नहीं। तो जैसे कि मेरा जो डिज़ाइन बनता है, कोई भी डिज़ाइन, उसका हाइट में क्लियर रहता हूँ। जैसे जब CNC मशीन पे कटिंग हो वुड राउटर पे, तो कोई प्रॉब्लम ना आए। और ये जो कंपोनेंट है, ये रेजोल्यूशन भी अच्छा रहे, जो हाई रेजोल्यूशन पे रहे, क्योंकि नहीं तो वो साइड में रैक रैक करके एक लाइन खींचा नज़र आएगा, वो उतना अच्छा नहीं लगेगा देखने में। तो आप लोगों ने देख लिया ये कैसे क्या करना पड़ता है। मैं इसको बड़ा करता हूँ और एक बार फिर से एक बार रेजोल्यूशन को मैं देखता हूँ बढ़ता है कि नहीं। तो जैसे कि ये मेरा हाई रेजोल्यूशन पे ही है और न्यू रेजोल्यूशन एक ही है, तो बनेगा नहीं है। मैं एक कलर चेंज कर लेता हूँ एक बार, तो डिज़ाइन कैसे बनता है आपको मैंने दिखा दिया। 3D डिज़ाइन टूडल शेप पे मैंने टोटली डिज़ाइन बनाया है, सिर्फ ये पत्ते को छोड़ के। ये पत्ता और भी अच्छा दिख सकता था अगर मैं टूडल शेप पे बनाता, पर वीडियो बहुत लंबा हो रहा है तो मैंने इसमें दो चीज़ें मैं यूज़ किया, एक टूडल शेप और एक आपका 3D शेप में, ठीक है। जो शेप एडिटर है उससे मैंने ये बनाया है कुछ एक दो चीज़ें, ठीक है। तो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, ऐसा ही वीडियो मैं डालता रहूँगा। मंडे से मैं फ्री ट्रेनिंग स्टार्ट करूँगा, तब आप देख सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और कोई भी जानकारी के लिए मुझे कमेंट कर देना, मैं उसका वीडियो डाल दूँगा, ठीक है।